नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी, फिर राजस्थान का कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान के लोक नाट्यों की हमने चर्चा कर रहे हैं। कल हमने ख्याल की चर्चा की थी, जिसका एक अलग वीडियो था, छोटा सा वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट था। आज हम जो बात करेंगे वो राजस्थान के लोक नाट्यों की जो बात करेंगे उसको समझना आप। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं लोक नाट्य, ठीक है, लोक नाट्यों को हम समझेंगे। और लोक नाट्यों में कल हमने पढ़ा था ख्याल, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे रम्मत को पढ़ेंगे कि रम्मत क्या होती है। दूसरा जो पढ़ेंगे वो है तमाशा। तीसरा हम पढ़ेंगे चार बेत शैली। और अंत में वीडियो के अंत में रामलीला, राजस्थान की जो रामलीला है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी उपयोगी है, रम्मत, तमाशा, चार बेत और रामलीला। देखो, इन सब को आपको समझने के लिए मैं बताऊं, हमने जो वीडियो बढ़ाया है, क्लास में कलेक्शन जो किया है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और केवल परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया है। तो वीडियो को बहुत छोटा करने की कोशिश की है, लेकिन सब बातें जो एग्जाम की दृष्टि से आनी चाहिए वो सारी बातें इसमें शामिल होगी। तो वीडियो में एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रम्मत की, कि रम्मत होता क्या है। देखो, राजस्थान के लोक नाट्यों को समझना है तो बड़ा माइनर डिफरेंस है, चाहे ख्याल की बात करूं, चाहे रम्मत की बात करूं, चाहे तमाशे की बात करूं। देखो, इन सब का ये प्राचीन राजस्थान में प्राचीन तरीके से एक मनोरंजन का साधन था। जैसे आपने देखा होगा कि शादियों में क्या होता है, शादियों में भी जब पीछे बारात चली जाती है तो पीछे एक प्रोग्राम होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा क्या बोलते हैं, टूट्या शब्द काम में आता है, टूट्या। यह भी राजस्थान का एक क्या है, लोक नाट्य। अब टूट्या में क्या होता है कि शादी में बारात जाने के बाद में महिलाएं वैसा का वैसा परिदृश्य बनाती है घर में, दूल्हा भी बनते हैं, संगीत भी होता है, उसमें नाटक प्रकार का होता है। तो जिस प्रकार ये टूट्या होता है वैसे ही ये भी मनोरंजन के साधन है। तमाशा हो, चार बेत शैली हो, रामलीला हो, ख्याल हो, रासलीला हो, ये सारे लोक नाट्य में थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। तो शुरुआत हम करेंगे रम्मत से। तो रम्मत का पहले एक फोटो देख लो आप, एक रम्मत का दृश्य आपको दिख रहा है, एक मंच पर विभिन्न कलाकार है जो रम्मत खेल रहे हैं। अब रम्मत का मतलब भी क्या, जैसे मैंने कल बताया था आपको ख्याल, ख्याल का मतलब होता है खेल खेलना, वैसे ही उसी से मिलता जुलता रूप है एक रम्मत। और इसके बारे में मैं बता दूं कि रम्मत जो है वो होली और सावन के महीने में ज्यादा खेली जाती है। तो मुख्यतः ये रम्मत जो है वो होली के महीने में या सावन के महीनों में खेली जाती है। और मुख्य क्षेत्र रम्मत की मैं बात करूं तो रम्मत का जो मुख्य क्षेत्र है वो है जैसलमेर और बीकानेर का क्षेत्र। तो रम्मत सावन या होली के अवसर पर होने वाली काव्य प्रतियोगिता है, और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो नंगाड़ा या वे ढोलक होती है। दो वाद्य यंत्र होते हैं, एक नंगाड़ा काम में लिया जाता है, बाकी और भी होते हैं इसमें, लेकिन मुख्य बात करूं तो नंगाड़ा व ढोलक जो है वो इसका वाद्य यंत्र होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो रम्मत का अर्थ जो होता है वो होता है खेल, जैसे ख्याल का अर्थ खेल होता है वैसे रम्मत का मतलब रमने वाला। शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो रम्मत का अर्थ होता है रमने वाला, रमने वाला मतलब घूमने वाला, घूमने वाला मतलब खेलने वाला। तो रम्मत का है रमने वाला या खेल। और जो भी ये रम्मत खेलते हैं उसको रमतिया बोलते हैं, जो रम्मत खेलने वाले कलाकार होते हैं उनको रमतिया भी बोलते हैं, और ये खेल है इसलिए से खिलार भी कहते हैं। जो खेलने वाले होते हैं, जो रम्मत का मंचन करते हैं उनको खिलार कहा जाता है या रमतिया कहा जाता है। ध्यान से समझना है, कि शब्दों को समझना आप, यहां एक भी बेकार की बात या फालतू की बात नहीं लिखी हुई मिलेगी आपको। तो इसलिए इसको एक एक चीज को ध्यान रखना है कि रम्मत खेलने वालों को खिलार भी कहा जाता है और रमतिया भी कहा जाता है। और इसके में जो मुख्य कलाकार होता है, जो आगे होता है, बाकी पीछे कलाकार होता है। देखो दृश्य में भी आपको दिख रहा है कि कुछ कलाकार मुख्य कलाकार है, जैसे ये इसमें मुख्य कलाकार है, ये इसमें मुख्य कलाकार है, बाकी अन्य कलाकार भी है इसमें। तो इस मुख्य कलाकार को बोलते हैं टेरिया। क्या बोलते हैं? टेरिये, टेरिये कहलाते हैं। और मैं बता रहा था कि जो रम्मत होती है वो होली और सावन के महीने में ज्यादा खेली जाती है, और इसका कुछ क्षेत्र है पर्टिकुलर पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, चाहे जैसलमेर की बात करूं या फिर मैं करूं बीकानेर की बात, तो यहां इन दोनों क्षेत्रों में
रम्मत महत्वपूर्ण खेली जाती है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है रम्मत का, ये जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर के संदर्भ में मैं बता दूं कि रम्मत का प्रारंभ तो हुआ था जैसलमेर से। प्रारंभ कहां से हुआ था? जैसलमेर से। और बाद में धीरे धीरे ये प्रसिद्ध आगे जलकर कहां चली गई? बीकानेर। और यहां की प्रसिद्ध है, ज्यादातर अभी बीकानेर में खेली जाती है। और बीकानेर में भी एक जाति है ब्राह्मणों की, पुष्करणा ब्राह्मण, याद रखना आप, पुष्करणा ब्राह्मण ज्यादातर उसके मुख्य कलाकार होते हैं, पुष्करणा ब्राह्मण, ठीक है। तो पुष्करणा ब्राह्मण ज्यादातर इसके कलाकार है। और ये जैसलमेर में प्रारंभ हुई और बीकानेर में अभी काफी लोकप्रिय है। बीकानेर की रम्मत बीकानेर में काफी पॉपुलर है। देखो इसके बारे में और मैं बात करूं तो कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम आएंगे कि प्रमुख कलाकार रम्मत के राजस्थान के प्रमुख कलाकार कौन कौन है। तो इसमें नहीं याद रहे तो भी आपकी कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। इसमें मुख्य कलाकार है मनीराम व्यास है, तुलसीराम है, फागु महाराज है जिन्होंने एक रम्मत लिखी थी फाग रम्मत, तो फागु महाराज है, सुवा महाराज है, नाम से पता महाराज है, महाराज है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो पुष्करणा ब्राह्मण है, ठीक है। मुख्य रम्मतों की बात करूं मैं तो मुख्य रम्मत दो, बाकी बहुत सारे मुख्य रम्मतें हैं, लेकिन मुख्य रम्मत की बात करूं तो दो मुख्य रम्मत है, एक हेड़ाऊ मेरी रम्मत और एक फक्कड़दातारी रम्मत। दो मुख्य है, हेड़ाऊ मेरी। हेड़ाऊ देखो, हेड़ाऊ एक राजा था, मेरी उसकी पत्नी थी, तो उनकी कहानी को है हेड़ाऊ मेरी रम्मत कहा जाता है। और फक्कड़दातारी रम्मत सबसे प्रसिद्ध जो रम्मत है वो है फक्कड़दातारी रम्मत, और इससे ही बीकानेर में रम्मतें प्रारंभ होती है। फक्कड़दातारी रम्मत से प्रारंभ होती है, जो भी रम्मतें होती है उसमें प्रारंभिक तौर से जो रम्मत होती है वो फक्कड़दाता की रम्मत है। और एक हेड़ाऊ मेरी की रम्मत भी है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। तो ये तो था रम्मत की मुख्य बात। देखो रम्मत में आपको एक और बता दूं कि रम्मत में एक कवि थे जो काफी पॉपुलर हुए, उनका नाम था तेज कवि, याद रख लेना तेज कवि, जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि थे तेज कवि। और उन्होंने एक रचना लिखी थी स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी। तो ये जो रचना थी स्वतंत्र बावनी, एक रम्मत थी स्वतंत्र बावनी रम्मत। और इसमें 1943 में ये जो रम्मत थी ये क्यों प्रसिद्ध हुई? 1943 में ये जो रम्मत लिखकर तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। किसको की थी? महात्मा गांधी को भेंट की थी। और ये महात्मा गांधी को भेंट इसलिए की थी क्योंकि इस रम्मत में स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बातें थी, स्वतंत्रता को लक्ष्य रखकर लिखी गई थी 1943 में। तेज कवि जैसलमेर के कवि थे और उन्होंने स्वतंत्र बावनी जो लिखी थी, और उसकी कुछ पंक्तियां भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे है जिसमें उसने कहा था कि जब तेज कहते हैं कि तेज कवि ने जब स्वतंत्र बावनी लिखी तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट आ गया था, और जब गिरफ्तारी का वारंट आया तो वो खुद चलकर कमिश्नर के गेट पे पहुंच गए थे मकान पे, और उन्होंने वहां कुछ लाइनें बोली थी, बड़ी शानदार लाइनें थी कि कमिश्नर के गेट पे उन्होंने क्या कहा कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। ये उन्होंने पंक्तियां बोली थी, और ये पंक्तियां किसकी थी? तेज कवि की। कितनी ओजस्वी एक कविता का रूप दे दिया कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। तो ये थी रम्मत की जानकारी। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और यहां जो दृश्य आ रहा है वो है तमाशा। देखो राजस्थान में तमाशा भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन यहां मैंने जो पिक्चर ली है वो तमाशा लिया गया है महाराष्ट्र का तमाशा। देखो वेशभूषा से आपको लग रहा है कि ये वेशभूषा जो है वो राजस्थान की तो नहीं है, वेशभूषा देख के पता चलता है, तो ये वेशभूषा कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ये मैंने क्यों लिया है इसका भी कारण मैं बता दूं कि भारत में ये बात करूं मैं तो तमाशा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र से, और यहीं से वो धीरे धीरे तमाशा कहाँ आ गया? राजस्थान में। तमाशा का मतलब होता है मनोरंजन, कहानियां हो। जैसे देखो तमाशा एक इस प्रकार की शैली है जिसमें क्या होता है? नाटक भी होता है, जिसमें क्या होता है? गीत संगीत भी होता है, जिसमें क्या होता है? वाद्य यंत्र, तीनों प्रकार की चीजें होती है, और यही तमाशा है। देखो तमाशे की कुछ जानकारियां जो परीक्षा में आती रहती है, तो तमाशे की मैं बात करूं तो तमाशा जो प्रसिद्ध है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर में तमाशा प्रसिद्ध है। अब जयपुर में प्रसिद्ध है, कल मैंने बताया था कि जो तमाशे का आविष्कार हुआ
वो हुआ जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी दोनों को मिलाकर। किसको हुआ? जयपुरी ख्याल, कल मैंने पढ़ाया था जयपुरी ख्याल, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि जयपुरी ख्याल में क्या होता है कि स्त्री पात्रों का अभिनय जो करती है वो स्त्रियां करती है, पुरुष नहीं लुगड़ी ओढ़ के करते। तो इसमें भी जो ये तमाशा है, इसमें भी स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियां ही करती है। किसका मिश्रण है? जयपुरी ख्याल का और ध्रुपद गायकी दोनों को मिलाकर ये एक बड़ा है तमाशा। अब देखो, तमाशा मैंने कहा कि महाराष्ट्र से आया, तो महाराष्ट्र में प्रवर्तक इसके जो थे वो बंशीधर भट्ट थे। महाराष्ट्र में जो तमाशा के प्रवर्तक थे वो थे बंशीधर भट्ट, और यहीं से वो फिर आए राजस्थान में, और राजस्थान में इसको लाने का श्रेय है सवाई प्रताप सिंह को। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के समय ये जो तमाशा कला है वो राजस्थान में आई। अब देखो, जब सवाई प्रताप सिंह के समय ये जो तमाशा कला आई, उसका रूप था महाराष्ट्र वाला, सेम महाराष्ट्र की कॉपी थी। लेकिन मानसिंह प्रथम के समय इसका रूप बदल गया और इसका एक अलग स्वरूप पैदा हो गया, और वो था राजस्थानी स्वरूप। तो मानसिंह के समय राजस्थानी स्वरूप में कन्वर्ट ये हो गई। देखो, प्रसिद्ध तमाशों की बात करूं तो प्रसिद्ध तमाशे है भरथरी, जोगी जोगण। जोगी जोगण जो तमाशा होता है वो होता है बेटा होली के अवसर पर। जोगी जोगण का जो तमाशा है वो होता है होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा नानक साई और जुठन मियां, जुठन मियां होता है शीतलाष्टमी। आज मैं क्लास बना रहा हूं तो शीतला अष्टमी कल है, तो शीतला अष्टमी पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, जुठन मियां, देखो जूठा खाते हैं, मतलब बाशड़ो बोलते हैं इसको। तो जुठन मियां जो तमाशा है वो होता है शीतलाष्टमी को, और जोगी जोगण जो तमाशा है वो कब होता है? होली के अवसर पर होता है। मोटी मोटी जानकारी इससे ज्यादा पूछी नहीं जाती है, यहां से थोड़ा देख लेना, और बंशीधर भट्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण आती है वो है चारबेत। चारबेत जो नाट्य है उसकी बात है, चित्र वही देर का है। चारबेत, चारबेत के बारे में मोटा मोट आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो चारबेत नाट्य है वो है टोंक का। देखो, आप सबको पता है राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, नवाबों का नगर टोंक था, तो वही चारबेत होती है। अब चारबेत का मतलब क्या है? तो चारबेत का मतलब है, ये अफगानिस्तान से आई है चारबेत शैली जो है। अभी मैं बताता हूं आपको कि चारबेत जो शैली है उसके प्रवर्तक थे करीम का निहंग। पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, उसके बाद में बताता हूं। जो राजस्थान में है टोंक में, तो वो उसके प्रवर्तक है करीम का निहंग, और ये नवाब फैजुल्ला खां के समय में चारबेत शैली राजस्थान में आई। अब देखो, मैं चारबेत शैली को बता रहा था कि चारबेत शैली है क्या। चारबेत शैली, ठीक है, तो चार का मतलब तो फोर ही होता है, लेकिन बेंत का मतलब होता है अफगानिस्तान की में पश्तूनी जो भाषा होती है, पश्तूनी भाषा होती है अफगानिस्तान में, पश्तूनी भाषा में बेंत का अर्थ होता है लाइन, पंक्ति, अंग्रेजी में लिख दिया मैंने लाइन या पंक्ति। तो इस चार बेंत शैली में जैसे अपने दोहे होते हैं ना, चौपाई होती है, वैसे ही इसमें भी चार लाइनें बोली जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चार बेंत शैली। और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो ढप होता है, सबके हाथ में ढप है। और इसमें जैसे कव्वालियां गाते हैं ना, आपने देखा होगा घुटनों के बल थोड़ा सा खड़ा होकर कव्वाली गाते हैं, वैसे ही इसमें चार बेंत शैली में भी नाट्य होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का, नवाबों की विद्या कही जाती है, इसको नवाबों की विद्या भी कही जाती है, क्योंकि नवाब बड़े खुश होते थे अफगानिस्तान से आई राजस्थान में, टोंक में प्रसिद्ध है चारबेत शैली। तो तीन की हमने चर्चा की, एक हमने रम्मत की चर्चा की, एक हमने तमाशे की चर्चा की, और एक चारबेत शैली, और कौन सी बातें की? केवल महत्वपूर्ण बातें। थोड़ी सी लास्ट वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि जो रामलीला है, अब रामलीला सब जानते हैं, मैं इसको लंबी कहानी सुनाऊंगा नहीं कि रामलीला, रामलीला में रामायण का कथानक होता है, एक होती रासलीला भी होती, एक होती रासलीला, ये कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है रासलीला, तो इसके बारे में डिटेल नहीं है। लेकिन रामलीला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तीन महत्वपूर्ण तथ्य मैं बात करूंगा कि राजस्थान की जो रामलीलाएं हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण है। एक रामलीला है बिसाऊ की प्रसिद्ध, किस जगह की प्रसिद्ध है? बिसाऊ की। अब बिसाऊ की प्रसिद्ध क्यों है, देखो ध्यान से देखना आप, बिसाऊ की इसलिए प्रसिद्ध है कि बिसाऊ की जो रामलीला होती है उसमें जो पात्र होते हैं वो बोलते नहीं है, मूक होती है,
आपने देखा होगा टीवी पे मोबाइल पे चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन बड़े मुंह अभिनय करते थे, बोलते नहीं थे लेकिन बड़ा मनोरंजन होता है। तो वैसे ही चार्ली चैपलिन की तरह बिसाऊ की जो रामायण है वो क्या है, मुंह अभिनय होता है इसमें। दूसरी है मांगरोल की रामलीला, बहुत प्रसिद्ध है। मांगरोल की रामलीला में ढाई कड़ी है, ढाई कड़ी का मतलब ढाई श्लोक है, ढाई 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 श्लोक में पूरी रामलीला हो जाती है। तो बिसाऊ सॉरी मांगरोल की ढाई कड़ी की रामायण कहलाती है। और अटरू जो कि बारा जिले में है, उसकी खास बात यह है कि जैसे रामायण में होता है ना धनुष, शिव धनुष जिसको श्री राम ने तोड़ा है, इस अटरू वाली जो रामलीला है उसमें धनुष भगवान राम नहीं तोड़ते, उसमें जो सामने बैठे दर्शक होते हैं ना वो सारे चढ़ के उसको धनुष को तोड़ देते हैं। तो ये अलग प्रकार की रामलीलाएं हैं, अटरू की बात करूं, मांगरोल की बात करूं या बिसाऊ की बात करूं, तो तीन प्रसिद्ध है। बाकी रामलीला के बारे में आप सबको पता होगा तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के नाट्यों में और भी बहुत कुछ है लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है और समय बर्बाद करने वाला, इसलिए नाट्यों के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में ख्याल के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में रम्मत, तमाशा, चारवेद और कुछ रामायण के तथ्य पढ़े। आशा है इसमें से आपके कोई नहीं समझ वाली बात नहीं होगी, और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। एक नया वीडियो जो कि राजस्थान के लोक संगीत से जुड़ा हुआ होगा उसको लेकर मैं जल्द आऊंगा। तब तक के लिए शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत।